नमस्कार, मैं शिशिर वर्मा बोल रहा हूँ। जैसे कि हर मंगलवार मैं अपना एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ, मैं कश्मीर फाइल से ये सेकंड वीडियो रिलीज़ करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा एक मायना है, सोचने वाली बातचीत है आपके और मेरे लिए कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और एक फोटोग्राफिक सेशन होता है। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं। आप अगर, मैंने सोचा कि आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री को कोई फिल्म के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो श्री नरेंद्र मोदी को खड़े क्यों होना पड़ा इस फिल्म के लिए, क्यों उसके बारे में बात करना पड़ा? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ही करप्ट और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अंडरवर्ल्ड के लोगों से एंड इस्लामिक इन्वेजन के लोगों से। ये बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। जब दंगल पिक्चर रिलीज हुई थी आमिर खान की चाइना में, तो आई वॉज स्टंड व्हेन आई रेड इट इन अ न्यूज़पेपर कि उसने 1,000 करोड़ चाइना में बनाया था। यानी इकोनॉमी ऑफ द फिल्म्स जो है वो इतनी हाई है, इतना बिजनेस है, इतना पैसा है इसमें शामिल है कि इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो किसके पास है ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, जो इसको डोमिनेट करते हैं और इसी के बेस पे फिल्म्स आगे बनती भी हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, विवेक अग्निहोत्री को एक फिल्म बनाने के लिए सरकार को एक कैटेगरी वाई के नाम से सिक्योरिटी देनी पड़ी, क्यों, क्या कारण है? अरे पिक्चर बनाई है और रिलीज़ कर रहे हैं कि क्लियर बात है, इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं जो कि उस पिक्चर को देखने के बाद चिड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो चिड़े हुए हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये पिक्चर ज़्यादा प्रोग्रेस करें या पैसा बनाएं, तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। यानी अपने ही देश में अपने ही हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को जो पलायन करना पड़ा उस पर उसने रियलिटी 32 साल में दिखाई है, तो हमको ये बात के लिए उसको सिक्योरिटी देनी पड़ी और प्रधानमंत्री को अपने भाषण में बोलना पड़ा कि कश्मीर फाइल्स में रियलिटी दिखाई गई है। तो गाइज, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका और मेरा जो रोल है वो ऐसी पिक्चर्स को ना ही सिर्फ इनकरेज करना है, बल्कि करण जौहर ऑफ द वर्ल्ड, आमिर खान ऑफ द वर्ल्ड, सलमान खान, शाहरुख खान और ये जो कबीर खान जैसे जो लोग हैं, जो जावेद अख्तर, सलीम खान, ये जितने लोग हैं, ये नेटवर्क वाले जो आप देख रहे हो ना, ये जो नेटवर्क और जिसने बैठ के मोनोपोली और करण जौहर जैसे लोगों ने बना के रखी, इसको भी तोड़ना ज़रूरी है। जब तक इस फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों को आप नीचे नहीं लाएंगे, और नीचे लाने का तरीका सिर्फ एक है और वो है इकोनॉमी, इनका बिजनेस डाउन करना ज़रूरी है, तब जाके ये लाइन पे आएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो काम चुपचाप प्रधानमंत्री ने सिर्फ खड़े होके करके दिखाया है, वो हमको और आपको मिलके ना ही सिर्फ ऐसी फिल्म्स को एनकरेज करना है, बल्कि डिस्करेज भी करना है उन ऐसे जैसे डायरेक्टर्स को और ऐसे हीरोज को जो बैठ के इस्लामिक हीरोइज्म को ऊपर लाके हमारे देश की संस्कृति को और हमारे कल्चर को नीचे करते हैं सटल चुपचाप मैनर्स में, ताकि हमारे हिंदुइज्म कल्चर ऊपर आ सके। आई होप दिस वीडियो इज लाइक बाय यू। थैंक यू वेरी मच। बाय।